ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की निर्मल ग्राम पंचायत नौणी ने जहां स्वच्छता के मामले में कई अवार्ड जिला व राज्य स्तर पर अपने नाम किए हैं, वहीं अब नौणी पंचायत के नाम एक और नई ख्याति जुड़ गई है। आपको बता दें कि पंचायत के बगौर गांव को भारत के सबसे साफ व सुंदर गांव का अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस गाँव को सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के निर्मल ग्राम पंचायत नौणी ने जहां स्वच्छता के मामले में कई अवार्ड जिला व राज्य स्तर पर अपने नाम किए हैं, वहीं अब नौणी पंचायत के नाम एक और नई ख्याति जुड़ गई है। आपको बता दें कि पंचायत के बगैर गांव को भारत के सबसे साफ व सुंदर गांव का अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस गांव को सम्मानित किया गया। इस दौरान निर्मल ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान बलदेव ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा सबसे साफ गांव के प्रधान के रूप में अवार्ड देकर नवाजा गया। ये अवार्ड इंडिया टुडेज फाइगिरी के तहत दिया गया। जानकारी के अनुसार एक एजेंसी द्वारा बीते दिनों देश भर में सफाई को लेकर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में देश भर के गांव को देखा गया। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को लेकर टीम ने गांव का चयन किया और जिसके बाद अवार्ड के लिए नौणी पंचायत के प्रधान बलदेव ठाकुर को सूचित किया गया। वहीं पंचायत प्रधान बलदेव ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान देश भर की कई विभूतियों को उनके द्वारा पर्यावरण स्वच्छता, जल संरक्षण, प्लास्टिक निपटान, समुन्द्र में सफाई आदि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं उनकी पंचायत के बगौर गांव को देश के सबसे साफ सुथरे गांव के रूप में चुना गया है, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए वे जहां प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, नौणी विश्वविद्यालय का आभार जताते हैं, वहीं पंचायत को साफ सुथरा व सुंदर बनाने में सहयोग लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों उनकी पंचायत को अवार्ड मिलना उनके व उनकी पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है और अब वे पंचायत को और सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने इस सब के लिए मीडिया का भी आभार जताया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में सफाई गिरी अवार्ड जो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिया गया है, उसमें हिंदुस्तान के 11 लोगों को जिन्होंने सुंदर गांव, स्वच्छ गांव बनाया हो, या रेलवे को साफ रखा हो, या पर्यावरण में काम किया हो, या प्लास्टिक कूड़ा कचरा प्रबंधन सेग्रीगेशन को सुदृढ़ किया हो, ऐसी 11 विभूतियों को महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। और इसमें नौणी पंचायत जो हमारी निर्मल पंचायत है, हमें भी सौभाग्य मिला है कि जो हमारा पंचायत का बगौर गांव है, इसको हिंदुस्तान का एक स्वच्छ और एक साफ सुथरे गांव के रूप में ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को मिलने पर मैं जहां हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार और यहां जिला प्रशासन, सोलन जिला प्रशासन और नौणी विश्वविद्यालय तथा जितने भी हमारे नौणी पंचायत में मेरे स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, यहाँ जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, बिजली विभाग है, PWD है, अन्य जितने भी विभाग हैं, और यहाँ तक कि मैं अपने सभी पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और पूरी ग्राम सभा और नौणी मार्केट का भी मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ रहने वाले हर नागरिक का, हर पंचायत वासियों का मैं धन्यवाद करना। वहीं बगौर के वार्ड सदस्य राजेंद्र मेहता ने बताया कि उनकी पंचायत के हर गाँव में स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है और आने वाले दिनों में भी पंचायत को इसी तरह साफ सुथरा व स्वच्छ रखा जाएगा। चाहूंगा, मेरा नाम राजेंद्र मेहता, मैं वार्ड नंबर 3 बगौर से वार्ड सदस्य, और जिसके लिए ये इनाम इंडिया टुडे वाले ने हमें दिया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सारे ही जितने भी वार्ड हैं साफ है, सुंदर है, और सारे लोग हमारे जितने भी पंचायत के बहुत ही डेडिकेटेड है सफाई के अभियान में, और हमारे जितने भी मेंबर हैं सारे ही बहुत ही सफाई का ध्यान रखते हैं, और हमारे सारी मार्केट कमेटी के जितने भी दुकानदार भाई हैं वो भी अपने आगे बहुत ही साफ सुथरी रखते हैं, सफाई रखते हैं, सबको डस्टबिन दिए गए हैं, सारे कूड़ा उसमें डालते हैं और कोई इधर उधर नहीं फेंकता कूड़ा जी। ये जो सफाईगिरी का इनाम हमारे गाँव को मिला है या पंचायत को, बहुत ही खुशी की लहर है हमारी पूरी पंचायत में, और भी आगे हम जो काम करेंगे बिल्कुल साफ क्लीन रखेंगे अपने पूरी पंचायत को, और इसके लिए हम वचनबद्ध है सभी, और पॉलीथीन भी हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे अपने पंचायत में, बिल्कुल नाम नहीं रखे पॉलीथीन का, और हम दूसरी पंचायतों के लिए मिसाल कायम कर देंगे भी सफाई के मामले में कैसी सफाई होती है,
सभी लोग देखते हैं, आते हैं इस पंचायत को देखते हैं, तो बिल्कुल साफ सुथरी पंचायत हम बिल्कुल और भी ज्यादा सफाई बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन कर देंगे इसको। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।